सबसे पहले आप सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सुबह के 7 बजे मैंने भी अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। आज दिन भर में देखते हैं हमारी क्या क्या एक्टिविटी रहती है। दोस्तों बने रहिए ब्लॉग के साथ। मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी दोस्तों, उसकी वजह से चारों तरफ से पहाड़ी में और हमारे गाँव में लगा हुआ है कोहरा। आज दोस्तों हमारे घर से गाँव भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो यार दोस्तों, पूरी गाँव में और चारों तरफ से पहाड़ियों में लगा हुआ है कोहरा। आज तो दोस्तों गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों 2 दिन पहले बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से देखो ये सर्दी का पहला कोहरा है। अब दोस्तों ऐसे ही सुबह का नज़ारा जो है, ऐसे ही सुबह का मौसम जो है 10-11 बजे तक ऐसे ही बना रहेगा। इधर दोस्तों मम्मी और पापा सेक रहे आग और साथ में ये ईशु भी बैठी हुई है। मैं भाई जा चुका हैं। कोहरा की वजह से यार ठंड बढ़ गई है। ठंडा हो गया, सुबह की चाय पी लिए। बुआ जी चाय धर को यार, जाड़ो को। ये भी सेक रही आग और खाली बोतल ले रखा है इसने। मेरे को दीदी दे, मेरे को दीदी है दीदी यार स्कूल नहीं जा लिए। अरे मेरे को दे दे यार। वो अभी लेके आ गई है अपनी केतली चाय के लिए। एक बार तो पी ली चाय, ये है दूसरी चाय। कल दोस्तों जंगल से पापा ये वाली लकड़ी लेके आए थे, एक घटाओ लकड़ी लेके आए थे यार। और जो अंजू सोत लाई ना वो भी रखे हुए है। दोस्तों सुबह के 9 बज के और पापा जाने लग गए जंगल के लिए बकरी चराने। बकरियां भी सभी खोल दी है। अभी पापा नहीं आए यार, पापा अंदर से अपना झोला लेके आ रहे हैं। पापा भी आ गए। जागो जागो जागो, बट बने दिया था उनको रोटा। बकरी पहुंचा के आ गया हूं। अब मुझे करनी है चीन की सफाई। और दोस्तों धूप भी आई गई है। धूप आई यार 10 बजे। आज 10 बजे गई हमारी बकरी जंगल से। और जो सुबह के टाइम में कोहरा लगा हुआ था ना वो भी हट गया यार, ऊपर ऊपर पहाड़ों में रह गया। लेकिन गांव से जो है कोहरा धीरे धीरे ऊपर को जाने लग गया। गांव भी दिखाई देने लग गया है। सुबह 7 बजे बिल्कुल गांव भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखो दोस्तों अब गाँव भी दिखाई देने लग गया है। 10 बज गए, ऊपर पहाड़ों में अभी कोहरा है। ये देखो बुआ भी लग गई इधर अपने काम में। बुआ बांधने लगी है भैंसों को बाहर और भाभी लगा रही है दसुल में धार। भाभी जा रही है घास काटने के लिए। मेरी मम्मी भी आ गई है धूप सेकने के लिए। मैं हल दूंगी दोस्तों। यार जूते ने मेरे को डालने नहीं दे रही है। बोल रही मेरी आमा डालेगी, मेरी मम्मी डाल रही है। ये मैं मम्मी भैया, मैं मम्मी भैया, मैं मम्मी हरिया मैं मम्मी भैया आमा भैया मैं ओ जो मैं मम्मी भैया, ये मम्मी भैया मैं आना बाबू आना नहीं। दोस्तों यार ये बोलती है ना मेरी आमा है, मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी है। ये मानती नहीं, मारने के लिए आती फिर रोने लगती है। ज्यादा ही परेशान करूंगा मैं, रोने लग जाएगी। मैं मम्मी भाई, मैं तो आपू मम्मी देखा बैठी।
तेरी आमा भाई, तेरी आमा भाई, मम्मी भाई, माहीला आमा भाई बा उशु माहीला आमा भाई तेरी हो तेरी भाई ये बोलती बस मेरी आमा है और किसी की नहीं। हाँ मैं मम्मी भाई ते आमा भाई मैं मम्मी भाई ना ना हाँ कोई तेरी आमा भाई। दोस्तों यार ये कहती है ना मेरी आमा है, जब मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी है चिढ़ जाती है, फिर ज़्यादा ही परेशान करूँगा ना रोने लग जाती है। अभी उसके हाथ में एक डंडा है, मार देगी यार, डरती भी नहीं है, पूरे जोर लगा के मार देती है। बुआ भी दोस्तों मेरी लगी हुई है काम में, बुआ ने इधर वाले नीचे पेड़ से काट के लेके आ गई है सूंग, और अंजलि की मम्मी करने वाली है सूंग इकट्ठा, लगी हुई है काम में पठों के लिए और भैंसों के लिए काट के भी लेके आ गई है बुआ मेरी सूंग। अंजलि की मम्मी आज घास के लिए नहीं गई, भाभी अकेली गई है घास के लिए, ये आज घरी का काम करने में लगी हुई है। अभी इसको गोड़ में से गोबर भी निकालना है, और ये देखो दोस्तों गोलू की सहेली भी आई है नीचे से, भावेश और भावना भी आए गोलू के साथ खेल करने के लिए, और इन्होंने मेहंदी भी लगा रखी है। देखो भावना की मेहंदी, देखो भावेश तू लग रहा है, भावेश ने लगा रखी है, देखो गोलू ने भी लगा रखी, गोलू ने लगाई थी कल, आज ही दिन भर करेंगे यहीं खेल। स्कूल की छुट्टी है ना यार, जब भी छुट्टी होती है ये यहीं आ जाते हैं खेल करने के लिए। और इसके जेब में ना मार्चिस भी है, ये पटाखे भी जला रहा है, पटाखा नहीं फोड़िए। हाँ ये हमो बहुत डर यार, हमो इसी को डर लगो पटाखा देखे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।